स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। वहीं इस वक्त बड़ा अपडेट 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आ रहा है। जी हां, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जल्द 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी हां, और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं हालांकि हायर सेकेंडरी स्कूल के रिजल्ट देने के लिए एक मामले में शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड अटक गया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा निरस्त होने से पहले जिन विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरे गए थे लेकिन उनका शुल्क जमा नहीं हुआ था और अब उनसे परीक्षा शुल्क लेकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। वहीं इस संबंध में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं। जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसमें कहा है अपने आदेश में कि प्रदेश में 46,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके फॉर्म तकनीकी गड़बड़ी और परीक्षा निरस्त होने के कारण लंबित है। वहीं अब ऐसे विद्यार्थियों को 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने से पहले परीक्षा शुल्क अदा करना होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना संक्रमण के कारण 2020-21 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। जी हां, परीक्षा निरस्त होने के बाद कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनके फॉर्म जमा हो चुके हैं लेकिन परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है। जी हां, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिसमें परीक्षा फॉर्म भरे गए लेकिन शुल्क जमा नहीं किया गया है, इस तरह के आवेदन माध्यमिक शिक्षा मंडल को परीक्षा निरस्त करने की तिथि से पहले यानी 10वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए 14 मई 2021 और 12वीं की परीक्षा के लिए 2 जून 2021 तक प्राप्त हो चुके हैं। वहीं ऐसे विद्यार्थियों को जल्द परीक्षा शुल्क जमा कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जिस तरह से आपने जाना 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट घोषित करने को लेकर एक बड़ा अपडेट था। वहीं तमाम जानकारी और लगातार बड़ी अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।